चलिए जयपुर से अधिक जानकारी के लिए सहयोगी पिंटू सिंह नरुका फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, क्या अपडेट फिलहाल मिल रही है? देखिए, जहां पर बहुमत नहीं है वहां पर आत्मविश्वास यहां पर है, लेकिन तस्वीर बाद में ही स्पष्ट होगी। कयासों का दौर थमेगा 2 बजे बाद, फिलहाल क्या नजारे? देखिए मनीषा, 150 वार्ड यहाँ पर जयपुर ग्रेटर नगर निगम में है और कांग्रेस खेमी की ओर से 55 पार्षदों ने मतदान कर दिया है। कांग्रेस के 49 पार्षद यहाँ पर थे और 6 निर्दलीय जिन्होंने उनको समर्थन दिया था वो पूरी तरह से यहाँ पर मतदान करके यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन अब जो काउंटडाउन है वो बीजेपी के जो तमाम पार्षद थे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक बस यहाँ पर पहुंची है जिसमें तमाम जो महिला पार्षद थी बीजेपी की वो यहाँ पर मतदान के लिए पहुंची है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये बस जिसमें तमाम जो महिला पार्षद हैं वो बैठकर यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और उसके बाद में तमाम जो दूसरे पार्षद हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि तमाम जो सबसे पहले कांग्रेस पार्षद यहाँ मतदान करने पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, सौम्या गुज्जर जो मेयर की प्रत्याशी है, मेयर पद की प्रत्याशी है, वो यहाँ पर वोट करने पहुंची। तस्वीर देखेंगी आप अपने समर्थकों के साथ, यहाँ पर मतदान करने पहुंची है सौम्या गुज्जर। हम सौम्या गुज्जर से बात करने की कोशिश ये देखिए, सौम्या गुज्जर मेयर प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर मतदान करने पहुंचे। पूरी जो महिला पार्षद हैं वो यहाँ पर मतदान के लिए पहुंच चुकी है। कांग्रेस पार्षदों के मतदान के बाद यहाँ पर बीजेपी के पार्षद मतदान करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें देखिए, महिला पार्षद उनके साथ हैं और सौम्या गुज्जर जो मेयर की प्रत्याशी है जयपुर ग्रेटर नगर निगम बीजेपी से, वो यहाँ पर मतदान के लिए पहुंची है। तमाम जो महिला पार्षद है दूसरी वो भी यहाँ पर मतदान के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्षदों के मतदान के बाद अब बीजेपी के तमाम जो पार्षद हैं वो यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे। फिलहाल सौम्या गुज्जर कुछ भी बोलने से मीडिया के से सामने रूबरू नहीं हो रही है, वो मतदान के लिए जा रही है और मीडिया से बात करने से बच रही है। ये तस्वीरें आप देखेंगे, सौम्या गुज्जर और उनके जो साथ में जो पार्षद हैं वो भी यहाँ पर दिख रही हैं और सीधे वो मतदान केंद्र जा रही है। मतदान के लिए मीडिया बात करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं लेकिन मीडिया बात नहीं कर पा रही है। जी, ये देखिए तस्वीरें, बिल्कुल तस्वीरें लगातार, ये तस्वीरें आप साफ तौर पर अभी भी कहीं ना कहीं जो सौम्या गुज्जर है वो मीडिया से रूबरू नहीं हो रही। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर। ये देखिए कुछ ना कुछ, ये काफी भीड़ आपको नजर आएगी। सौम्या गुज्जर बोलने से बच रही है। ये सौम्या गुज्जर से महिला पार्षद यहाँ पर पहुंची है। आखिर क्या कारण है कि वो मीडिया से मुखातिब नहीं हो रही है? तस्वीरें आप देखेंगी किस प्रकार से महिला पार्षद यहाँ पर पहुंची है और एक साथ यहाँ पर मतदान के लिए ले जाया गया है सौम्या गुज्जर को। और सबसे बड़ी बात मनीषा, बीजेपी के पास यहाँ पर स्पष्ट बहुमत है, लेकिन जब हम सुबह बात कर रहे थे दिव्या सिंह से, जो कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी थी, वो मीडिया से मुखातिब हुई, लेकिन यहाँ पर इतनी जल्दबाजी इस प्रकार से जो तमाम जो नेता थे बीजेपी के वो एक साथ लेकर आए और सीधे वो अंदर मतदान के लिए पहुंची, ये कहीं ना कहीं अपने आप में अलग अंदाज नजर आया कि आखिर क्या कारण है कि सौम्या गुज्जर मीडिया से मुखातिब नहीं हो सीधे मतदान के लिए यहाँ पर पहुंची है। जी बिल्कुल पिंटू, देखिए यही बिल्कुल देखा, जब सुबह आपने बातचीत की तो ये सामने आया कि पूर्ण बहुमत नहीं है लेकिन आत्मविश्वास का बल है, उसी के तहत बातचीत भी मीडिया से की गई, मुखातिब भी मीडिया से हुए, अपने आत्मविश्वास को मीडिया के सामने जाहिर किया। लेकिन यहाँ पर पूर्ण बहुमत है लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो लकीरें माथे पर चिंता की वो आखिर क्यों नजर आई, ये सवाल अपने आप में। जी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में है लेकिन जो चिंता की लकीरें वो कहीं ना कहीं सौम्या गुज्जर के नजर आई। हालांकि अभी भी इस चीज से दावा नहीं किया जा सकता कि बीजेपी पार्षद में किस प्रकार से भीतरघात कर सकते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, तमाम जो बीजेपी के महिला पार्षद हैं वो यहाँ पर मतदान के लिए पहुंच गई है। उन सबको एक जगह यहाँ पर बिठाया गया है। यहाँ पर जो निर्वाचन विभाग की ओर से व्यवस्था की गई थी कि एक तरफ कांग्रेस पार्षदों की बैठने की व्यवस्था की गई है और दूसरी तरफ बीजेपी के पार्षदों की बैठने की व्यवस्था की गई है। ये आप तस्वीरें देखेंगे कि पूरी महिला पार्षद जो बीजेपी के हैं उनको यहाँ पर एक जगह बिठाया जा रहा है। उनको वोटिंग का प्रशिक्षण पहले दिया गया था और थोड़ी जानकारी उनको और दी जाएगी कि किस प्रकार से यहाँ पर वोट करना। ये तस्वीरें देखिए तमाम,
जो पार्षद हैं बीजेपी की वो यहाँ पर मतदान के लिए पहुंच गई है। सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ महिला पार्षद जो हैं उनको यहाँ पर लाया गया है और ये एक एक करके वोट करेंगे। उसके पश्चात जो दूसरे पार्षद हैं बीजेपी के वो वोट के लिए आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो स्पष्ट यहाँ पर बीजेपी के पास में है और वो यहाँ पर वोट बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन सौम्या गुर्जर जिस प्रकार से मेयर की प्रत्याशी है वो यहाँ पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने कोई बात मीडिया से नहीं की। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और एक दल जो पार्षदों का है बीजेपी पार्षदों का वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो देखिए तस्वीरें, तमाम जो बीजेपी के पार्षद हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके समर्थन में जो निर्दलीय पार्षद थे वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए पार्षद अरुण शर्मा है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरे जितने भी पार्षद हैं बीजेपी के वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सबको एक जगह बिठाया जाएगा और उसके बाद में इनको एक एक करके मतदान केंद्र में भेजा जाएगा। पूरा जो सर्टिफिकेट है वो साथ लेकर आए अरुण शर्मा पार्षद। अरुण जी, मेयर बन रहा है आपका? जरूर बनेगा। कांग्रेस दावा कर रही है कि भीतरघात होगी बीजेपी में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, कांग्रेस में भीतरघात होगी। और पार्षद है मेयर बोर्ड बनाने को लेकर? बिल्कुल 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 आश्वस्त है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस इनमें भी है क्योंकि इनके पास पूरा आंकड़ा है, 88 पार्षद इनके पास है और 95 पार्षदों का दावा बीजेपी यहाँ पर जयपुर ग्रेटर में कर रही है। लेकिन सौम्या गुर्जर मतदान करने के लिए पहुंची, उनके साथ 4 पार्षद थी लेकिन वो मीडिया से बात नहीं कर पाई। हालांकि जो दूसरे पार्षद हैं वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है। जी मनीषा, बिल्कुल पिंटू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम तस्वीरें वहां से दिखाने के लिए। तो जो तस्वीरें आपको दिखाई हैं, बीजेपी के पास जादुई आंकड़ा है और इसीलिए लगातार कहना कि जीत निश्चित है, लेकिन कांग्रेस का आत्मविश्वास यहां पर नजर आ रहा है। तो प्रैक्टिकल बात करें तो आंकड़ा जीतता है लेकिन आत्मविश्वास भी यहां पर है। तो तमाम जानकारी आगे भी आपसे साझा करेंगे। फिलहाल एक